आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ पोहे से बनने वाले इस ज़बरदस्त नाश्ते की रेसिपी को। इस नाश्ते को एक बार बना लीजिए और महीनों स्टोर करिए। इतना ज़्यादा ये बढ़िया लगता है, आप इसे सुबह या शाम चाय के साथ खा सकते हैं। और मैं इसे पास से दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा ये क्रिस्पी और बढ़िया बनके तैयार होता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस नाश्ते को बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पोहा लिया है, जिसे चूड़ा भी कहते हैं, और इसे जिस मतलब पोहा जो हम घर में बनाते हैं यही वही पोहा है। और इससे हल्का वाला भी आता है, अगर आप वो चाहे ले सकते हैं, चाहे ये वाला पोहा कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आधे कप हमने पोहा ले लिया है, और मेजरमेंट के हिसाब से मैं एक कप पोहे का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो मैंने आधे कप अभी डाला है और आधे कप फिर से डाला है, तो कुल मिला के मैंने एक कप ये पोहा लिया है। पोहे को पानी डालकर अच्छे से धुल लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही गंदगी रहती है, तो वो अच्छे से साफ हो जाए। तो देखें कुछ इस तरह से मैंने अच्छे से इसे मसल कर धुल लिया है। अब इसका पानी हम निकाल देते हैं, और कुछ इस तरह से ये है, मैंने इसका सारा पानी निकाल दिया है। इसमें हम एक से दो चम्मच के करीब पानी डाल देंगे और इसे इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि पोहा अच्छे से फूल जाए। तो इसे ढककर 10 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए, और फिर 10 मिनट बाद हम इससे बढ़िया क्रिस्पी करारे से बिस्किट से बना के तैयार करेंगे। अब यहाँ पे पोहा अच्छे से फूल चुका है, कुछ इस तरह से हो गया है एकदम हल्का सा। आप क्या करेंगे, इसे डालेंगे मिक्सी के जार में और इसे पीसकर तैयार करेंगे। आप चाहो तो इसमें एक दो छोटे चम्मच पानी भी ऐड कर सकते हो, या फिर ऐसे ही पोहे को पीस सकते हो, या फिर हाथों से मसल के भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे तो मैंने क्या किया, मिक्सी के जार में इसे डाला और पीस के तैयार कर लिया, क्योंकि आज हमारी जो नाश्ता है ना, वो इसी बिस्किट जैसे करारे बनने वाले हैं पोहे से। तो यहाँ पे बढ़िया तरीके से इसे पीस लेते हैं। पीसने के बाद कुछ इस तरह से ये दिखेगा। अब हम क्या करेंगे, इसे किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। इसे निकालने के बाद, एक बर्तन में निकालने के बाद ही हम इससे बिस्किट वगैरह बनाएंगे। अब देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ कितना बढ़िया ये पीस के तैयार हुआ है। इसे निकाल लेते हैं, और एक बर्तन में मैंने इसे निकाल लिया है। अब बाकी की चीज़ें हम इसी में डाल देंगे ताकि ये बिस्किट एकदम परफेक्ट और बढ़िया बन के तैयार हों। तो आपको करना कुछ नहीं है, इसे निकालने के बाद आपको लेना है एक चौथाई कप घी या फिर रिफाइंड, जो जिसमें भी आप बिस्किट को बनाना चाहो। तो यहाँ पे मैंने रिफाइंड डाला है और एक चौथाई कप मैंने डाल दिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये तिल। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, पर तिल से क्या होता है, सर्दियों के लिए हम बना रहे हैं तो तिल बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। यहाँ पर मैंने दो चम्मच यहाँ पर भर कर तिल डाल दिया, साथ में आधे कप चीनी डाल दी। अब क्या करेंगे, दो इलायची लेंगे और एक टुकड़ा जायफल का लेंगे। यहाँ पे मैंने, जैसे मैंने बताया कि मैं इसमें सर्दियों वाली चीज़ें ऐड करने वाली हूँ, तो यहाँ पे इनको बढ़िया से कूट के तैयार कर लेते हैं और इसे भी डाल देते हैं। अब ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं, अच्छे से मिक्स करेंगे 2 मिनट के लिए। कुछ इस तरह से अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से मिल जाएं। अब देखें ये बढ़िया से सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और कुछ इस तरह से आपको दिख रही होंगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हैं। अब हमें चाहिए गेहूं का आटा, तो यहाँ पे आपको ज़रूरत के हिसाब से इसमें गेहूं का आटा यूज करना है। इसको हमने क्या किया, पहले आधे कप गेहूं का आटा इसमें हम डालेंगे और फिर इसका डो तैयार करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो थोड़ा ज़्यादा आटा भी आप यूज कर सकते हैं। तो चम्मच को हम साइड रख देते हैं और धीरे धीरे करके आटा डालकर इसका एक टाइट डो लगा के तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने गेहूं के आटे का ही इस्तेमाल किया है, जिससे रोटी वगैरह बनाते हैं। अब देखें ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी जहाँ हम आटा डालेंगे। जैसे मैंने बताया कि ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें और भी आटा डालेंगे। तो कुल मिला के एक कप आटा आपको लग जाएगा एक कप पोहे में। देखें अभी काफ़ी गीला आपको ये दिख रहा है, तो बस
इस तरह से आटा दोबारा डालेंगे और इसे गूंथते जाएंगे। बढ़िया टाइट डो यहाँ पे लग के तैयार होने वाला है। आप देखिए कितना बढ़िया ये डो लग के तैयार हो गया है। अब झटपट से हमारी बिस्किट बनने वाली हैं, क्योंकि इस डो को अब हमें मतलब छोड़ना नहीं है, तुरंत ही डो लगाना और तुरंत ही हमें बिस्किट को बना लेना है। तो मैंने क्या किया, इसको दो भागों में कुछ इस तरह से बांट लिया है। अब हम इसकी एक लोई बना लेंगे। लोई बनाने के बाद इसमें सूखा आटा लगा लीजिए और इसे बेल लीजिए। अब इसे मैंने थिक रखा है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखा, और इस तरह से पलट दिया है और फिर से एक बार लोई बना दी है और इसे बेल दिया है। बेलने के बाद आप कोई भी ढक्कन ले लीजिए या कुकीज कटर ले लीजिए, जिससे भी आप बिस्किट को काटना चाहें। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसे कुकीज कटर की सहायता से बढ़िया से काटा है। इसको मैंने ज़्यादा मोटा भी नहीं रखा और ज़्यादा पतला भी नहीं रखा। ये देखें कुछ इस तरह से है, इसी तरह से आपको रखना है। बहुत ज़्यादा मोटा ना रखिएगा, नहीं तो अंदर से सिक नहीं पाएंगी, कच्ची रह जाएंगी। तो ये देखें इस तरह से मैंने इन्हें तैयार कर लिया है। आप चाहो तो ऐसे ही सिंपल इसे रख सकते हो, या फिर चाकू की सहायता से इस पे हल्के हल्के हाथों से इस तरह से डिजाइन भी बना सकते हो। तो जैसी सुविधा हो आपको वैसे कर सकते हो, जैसे मैंने बताया, या फिर सिंपल भी रख सकते हो, या फिर किसी चीज़ से डिजाइन भी इस तरह से डाल सकते हो। अब मैंने कुछ इस तरह से डिजाइन इसमें बना ली है, तो चलिए अब इनको तल भी लेते हैं। यहाँ पे तेल गरम करने के लिए रख दीजिए आप। तेल को हमने गरम करने के बाद धीमी आंच में कर लेना है। धीमी आंच में अच्छे से करारी ये बिस्किट सिक्के तैयार होंगी, और तेज़ आंच में बिल्कुल ना सेंके इन्हें, क्योंकि ये अंदर से नहीं तो कच्ची रह जाएंगी। तो बस धीमी आंच में बढ़िया तरीके से इन्हें सिकने देते हैं, और जब नीचे से ये हल्की सी सिक जाएंगी तब हम इन्हें पलट देंगे। पलटने में ना टूटेंगी ना बिखरेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, बढ़िया तरीके से ये सिक जाएंगी। अब देखें मैंने इन्हें थोड़ा सा हल्का सा मतलब चला दिया है, और जब ये नीचे से सिकेंगी तभी मैं इन्हें पलट दूंगी। अब ये काफ़ी सिक्के तैयार हो गई हैं और मैंने इन्हें इस तरह से पलट दिया है। तो कुछ इस तरह से सारी बिस्किट आपको सेक के तैयार करना है। अब इनमें बहुत ही परफेक्ट और बढ़िया सा कलर आ गया है, एकदम दोनों तरफ से क्रिस्पी सी बढ़िया सी सिक्के तैयार हो गई हैं। मैं इसे पास से दिखा रही हूँ और बस इस तरह से निकाल लेते हैं। बाकी के बिस्किट भी अब हम इसी तरह से सेक के तैयार करेंगे। तो सेक लेते हैं हम बाकी की भी। तो बस इस तरह से जितनी कढ़ाई में आए आप डालते जाइए और धीमी आंच में सेक लीजिए। अब एकदम करारी और बढ़िया सी हमारी बिस्किट बनके तैयार हो गई हैं। ये देखें मैं पास से दिखा रही हूँ, बहुत ही हेल्दी हैं, टेस्टी हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए आप बना के इन्हें स्टोर कर सकते हैं। खाने में एकदम क्रिस्पी बढ़िया लगेंगी। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी अच्छी लगी हो। तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करते जाइएगा।